उदाहरण दो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पृष्ठीय विकर्ण व घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, हमें पृष्ठीय व घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर a वर्गमूल 2 इकाई। जहां a घन की भुजा है, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय विकर्ण बराबर 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमारे पास भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम एक स्थान पे 6 रखने पर हमें घन का पृष्ठीय विकर्ण 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। क्योंकि घन का विकर्ण बराबर a वर्गमूल 3 इकाई होता है, अतः घन का विकर्ण बराबर a के स्थान पे a जो है भुजा, घन की भुजा है जिसका मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम एक स्थान पे 6 रखेंगे तो 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर घन का विकर्ण बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगा। यह इस उदाहरण का हल है। बेलन सिलेंडर। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 2 सर्वांगसम एवं समांतर वृत्तीय पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बेलन के उदाहरण पाइप, ट्यूबलाइट इत्यादि। वृत्तीय पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई तथा वृत्तीय पृष्ठ को बेलन का आधार कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठों यानी कि आधार के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड बेलन का अक्ष कहलाता है। बेलन के प्रकार टाइप्स ऑफ सिलेंडर। लंबवृत्ति और तिर्यक बेलन। जब दो आधार ठीक एक दूसरे के ऊपर हों तथा अक्ष आधार के साथ समकोण बनाता हो तो उसे लंबवृत्ति बेलन कहते हैं। आकृति 15। यदि लंबवृत्ति बेलन के एक आधार को थोड़ा सा खिसका दिया जाए जिससे अक्ष आधार के लंबवत न हो तो उसे तिर्यक बेलन ऑब्लिक सिलेंडर कहते हैं। आकृति 16। बेलन का पृष्ठीय जाल नेट ऑफ सिलेंडर। एक ऐसा बेलन ले जिसके दोनों सिरे बंद हों। माना इस बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h इकाई है। जब हम बेलन आकृति 17 की कोर को काटकर फैलाते हैं आकृति 18 और 19, तब हमें बेलन का पृष्ठीय जाल नेट प्राप्त होता है। बेलन के पृष्ठीय जाल में आयत की लंबाई यानी कि बेलन का वक्र तल 2πr इकाई तथा चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h इकाई और दोनों वृत्तीय सतहों की त्रिज्या r इकाई है। करके देखें। पहला,
7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले बेलन का पृष्ठी जाल नेट बनाइए। दूसरा, ड्राइंग पेपर का उपयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बनाइए।